पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से उम्मीदवार है, कांग्रेस से लड़ना चाहते थे लेकिन अब निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे बीमा भारती के खिलाफ, क्या कुछ कह रहे हैं सुन ले। नो हिंदू मुसलमान सर, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार, क्या गंगोत्री, क्या कुशवाहा, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या सिख, सब एवरी वन पप्पू। आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि पूर्णिया जो है महाभारत की स्क्रिप्ट किसी ने आके लिखा, पटना में लिखा, मेरे कांग्रेस से मिलने के बाद लिखा, पहले हम बहुत अच्छे थे और उस महाभारत के स्क्रिप्ट को महाभारत के रूप में पूर्णिया में आकर के उसने अपनी सारी ताकत अहंकार को दिखाई, जितनी हैसियत थी उसने औकात अपनी लगा दी। अब उस महाभारत की पूरी स्क्रिप्ट की कथा 4 जून के बाद पूर्णिया की जनता एक इतिहास के रूप में देखेगी, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। बहुत अरसे के बाद बिहार ने ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, वसुंधरा राजे वोट करने के लिए पहुंची हैं और उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, आप जरा तस्वीरें देखिए, ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें हैं, वसुंधरा राजे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नारंगी रंग की साड़ी पहनकर पहुंची हैं, राम ये भी गौर कीजिए आप। चलिए राम ठीक है, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मुकेश केजरीवाल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ, हमारे साथ आरती टिक्कू है, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और सबसे पहले राजकिशोर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ, क्योंकि दक्षिण का दौरा अभी आपने हाल में किया, मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूं। 20 सीटें केरल की, ये कितनी महत्वपूर्ण है, और जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, पिछला चरण जोड़ लें और ये चरण जोड़ लें, इसके बाद कोई गुंजाइश बचेगी अगर इसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो? नहीं देखिए राम, पहली बात तो कि इसमें 20 सीटें केरल की हैं, 14 सीटें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा दारोमदार है, लेकिन केरल में उनके लिए तो सांत्वना पुरस्कार ये हो सकता है कि उनको 1 या 2 सीट मिल जाए, जैसे राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं शशि थरूर के खिलाफ, पूरी ताकत वहां पर लगा के रखी हुई है। लेकिन मुझे लगता है केरल में सबसे दिलचस्प देखना होगा कि वायनाड में राहुल गांधी इस बार जीतते हैं या कहीं वो अमेठी ना बन जाए, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्या आपको ये चांसेस लग रहे हैं? राजकिशोर जी आपने बड़ा कमेंट दिया, ऐसा लगता है कि वायनाड राहुल गांधी के लिए बहुत सेफ सीट है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेठी ना बन जाए तो इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप देखिए 19 सीटें पिछली बार यूडीएफ के पास गई थी वहां पर 20 में से, और आमतौर पर जो वहां पर ट्रेंड रहता है वो एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, हालांकि ये ठीक है 2 बार लगातार एलडीएफ की वहां पर सरकार बन गई, उसके बाद भी राहुल गांधी का वहां पर करिश्मा चला था और जो उन्होंने मेहनत की थी दक्षिण में उसका उनको दिखाई पड़ा था, वायनाड में वो जीते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से लेफ्ट ने पूरी ताकत लगा के रखी हुई है, आप देखिए उनके सामने प्रत्याशी मजबूत उतारा गया है, तो मेरे कहने का आशय यहां पर ये है कि अगर वोट बट रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी उस तरफ सामने है तो ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरफ उठ करवट लेता है। आरती टिक्कू आपका रुख करूंगा, मैं वोटिंग परसेंटेज पर आना चाहूंगी क्योंकि जो पहले चरण का मतदान हुआ वो काफी निराशाजनक रहा वोटिंग परसेंटेज के तौर पर, आज आप कैसे देख रही हैं 88 सीटों के मतदान को और जो कम वोटिंग परसेंटेज है उसको आप कैसे आंक रही हैं? देखिए कम वोटिंग परसेंटेज 2-3 हालातों में होती है, एक ये सिनेरियो होता है कि लोग कंप्लेसेंट है, आश्वासन मिला है उनको कि जो सत्ता में पार्टी है वही आई है, तो उसमें दोनों खितों में ऑपोजिशन के भी और जो रूलिंग पार्टी के भी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वोट करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा जो भी आ रहा है। दूसरा तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ऑपोजिशन के लोग भी हैं उनमें भी कहीं निराशा है और उनको लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है पावर में नहीं आने वाली है तो क्यों जाना है वोट करने के लिए, तो कमिटेड काडर नहीं जाता है। वैसे ही सत्ताधारी वाला सोचता है कि पार्टी तो आ ही रही है, मेरे डालने से वोट क्या होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी नहीं जाता। दूसरा हालात का मुझे लगता है कि ये है कि जब वोटर के सामने कैंडिडेट्स जो मिल रहे हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है, या वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उनका कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, तो उसमें भी कई सारे लोग। आरती जी आप भी जानती हैं कि मोदी के नाम पर मतदान हो रहा है और मोदी के नाम पर तो जो बम्पर भीड़ निकलती है क्योंकि एक तरीके से बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा ब्रांड मौजूद है, मुझे लगता है मुकेश केजरीवाल से भी हमें। मुकेश जी एक बात ये आपसे जरूर समझना चाहता हूँ क्योंकि ये जो एग्रेशन है प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषणों में, मुद्दों में,
वो अचानक चेंज हुआ पहले फेज के बाद। पहले डेवलपमेंट पे फोकस थे, फिर उन्होंने इस बार बड़े अग्रेसिवली मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। क्या केरल में, क्या कर्नाटक में इसका एक तरह से लिटमस टेस्ट हो जाएगा? मैं मुकेश जी इसमें और एक बात जोड़ना चाहती हूँ, राम ने बड़ा सवाल उठाया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में अगर हम देखें तो एक मुद्दे की कंसिस्टेंसी नहीं है, जो हमने पिछले चुनावों में मोदी के भाषण में देखी है कि वो एक मुद्दा उठाते हैं और उस पर एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है हर बार हर रैली में। इस बार प्रधानमंत्री अपने मुद्दों को बदल रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये बहुत ही समझदारी का फैसला होता है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं वो सभी सक्सेसफुल फार्मूलाज अपनाते हैं। भारत में भी ऐसे सक्सेसफुली तरीके अपनाए गए हैं। YSR ने आंध्र प्रदेश जब इकट्ठा था और जब अलग होने की बात हो रही थी, सक्सेसफुली दो चरणों में ये किया था। एक चरण में उन्होंने तेलंगाना अलग करने का समर्थन किया और अगले चरण में उसका विरोध कर दिया और उसमें वो जीते थे। तो इसी तरह कई बार होता है, आप और इनके पास बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए इन्हें ग्राउंड फीडबैक मिलता रहता है, किस तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं या काम कर भी रहे हैं तो भी बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है मुकेश जी, बीजेपी का इसमें कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी की जो ग्राउंड रिसर्च है, जो पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है राम। बिल्कुल, और हम चूंकि बात कर रहे हैं 13 राज्यों की 88 सीटों के बारे में, और 13 राज्यों की जो 88 सीटें हैं वहां पर क्या क्या चुनावी समीकरण इस बार बन रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हम वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। Z News.